इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले धर्म परिवर्तन का रैकेट का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब धर्मांतरण पर एक आईएएस ऑफिसर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर धर्मांतरण के फायदे गिनाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। वायरल वीडियो के एसआईटी जांच का ऑर्डर दिया गया है। एसआईटी के हेड डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा होंगे। एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो सीनियर आईएएस हैं इफ्तिखारुद्दीन, इनका नाम है, और एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि वीडियो काफी पुराना है, जिसमें वो धर्म परिवर्तन के फायदे गिनाते नजर आ रहे हैं और इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे लोगों को बताते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आईएएस ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। वीडियो यूपी रोडवेज के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन का बताया है। इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं और ये वीडियो उसी समय का बताया जा रहा है। इन वीडियोस में आईएएस ऑफिसर धर्मांतरण के फायदे गिना रहे हैं। वायरल वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन इस्लाम के फायदे गिना रहे हैं। वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरे दुनिया में कायम करनी होगी। ऐलान करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या यूहन्नास ए कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है, प्लुरल है ना, इंसान के माने एक इंसान। और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान। तो चल मैनकाइंड, टेल द मैनकाइंड दैट ओ मैनकाइंड, आई एम द रसूल ऑफ अल्लाह टू यू ऑल इन टोटल Jamia in total. Not a single has been spared. Tum sab ke liye main Allah ka rasool hoon. Aap to koi rasool nahi aaya. Nabi hai. Koi nabi nahi aaya. Khatam al-nabi is the seed of all prophets. Then kaun karega daawat ki karta hai? Jo जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, जाहिर है उसको कुछ आवाज नहीं करता, फर्ज इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरा नुमाए आया अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में है। कहाँ का है? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं खाए अरब में। लेकिन अभी अल्लाह के नूर का इमाम होना है, अल्लाह के नूर का इमाम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इमाम होना है ना, हर कच्चे पर तबके हर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। कैसे होगा? यहाँ पर इंसान बैठे काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब नहीं पकड़ा। और सिर्फ आईएएस नहीं, इस वीडियो में एक मौलाना भी नजर आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पंजाब की किस तरह से इस्लाम को अपनाने का फायदा होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पंजाब में एक शख्स ने इस्लाम कबूला। वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी अब एक सेंटर बन गया है जहां से पूरे देश और दुनिया में अपना काम किया जा सकता है। पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी, अगर हम लोग जाते हैं और कबीर में काम करते हैं, ईसाइयों में काम करते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दर्जा दी, तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत, उसका बहन की मौत दर्जा मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए, बोले जी उनका जरा सा बता दिए इसको, कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, नंगी हो गई, सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने वादी में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद मेरी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कुछ भी नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे घूमता रहा, किसी ने कलमा नहीं पढ़ाया तो फिर आपके बारे में मुशर्रफ साहब ने उन्होंने बताया कि अभी निशान साहब मदीना से आते हैं, वो आपको कलमा पढ़ा देते हैं, कलमा मुझे पढ़ा।
कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जरिया बन रही है लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। अपने दोस्तों हम लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा सेंटर, ऐसी खानफा, ऐसा इस्लामी स्टेट कहिए इसको, ऐसा दे दिया है कि यहाँ जरिए से आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। कम से कम ये मिलता जो आपका कानपुर का है, जहाँ लोग मुर्तद हो रहे हैं और जहाँ लोग दीन से नूरानी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने ऐसी अच्छी चीज़ें भिजवा दी हैं, पूरी पूरा जो है साइड बनवा दिया, शुद्ध धर्म है, शुद्ध उपासना है। खबरों में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है केजरीवाल का पंजाब प्लान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।